नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 दिनी संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। संकल्प शिविर में सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में बस्तर को जलता हुआ छोड़ दिया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद बस्तर में नए स्कूल खुले, औद्योगिक विकास हो रहा है, बस्तर का कपड़ा विदेश जा रहा है और आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया गया है। इस शिविर में बिल्हा विधानसभा के 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हुई, जिन्हें कांग्रेस नेता चुनाव में हर बूथ में जाकर कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताने और केंद्र सरकार की विफलताओं को सामने लाने की नसीहत दी। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से ऊपर उठकर प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करने और प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया। शिविर में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, विजय जागीर के साथ ही प्रभारी मंत्री साह भी मौजूद रहे। इस दौरान बूथ कमेटी के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण जरूरी टिप्स दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ अपने मित्र अडानी को सौंप देना चाहती है। उन्हें लग रहा है कि राज्य सरकार उनके बीच आ रही है, इसीलिए लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने कहा, ये ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ में उनके एक भी ऑफिस नहीं है। ऑनलाइन सट्टा के बारे में चर्चा चल रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई ऑफिस नहीं है। जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं, और 30 मार्च 2022 को पहला FIR दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर, बिलासपुर सभी जगह, और करीब 72 प्रकरण दर्ज छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई। 885 मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं। 41 लाख से अधिक नकदी, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक सामग्री जब्त की गई, 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, करीब 1000 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया, 200 से अधिक ATM कार्ड जब्त किए गए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली एवं अन्य प्रांतों में आरोपियों को पकड़ा गया। प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा का कोई भी कार्यालय ब्रांच संचालित नहीं है। सट्टे से जुड़े हुए सभी लोग गिरफ्तार या अंडरग्राउंड हो गए हैं। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप महादेव के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर रवि उपल के विरुद्ध LOC लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश ने कठोर कानून, छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 बनाया गया, जो वर्तमान में लागू है। ये षड्यंत्र दिल्ली से चल रहा है और हर हालत में यहाँ के चाहे लोहा और कोयला, ये जितने खदाने हैं बिल्कुल गिद्ध की तरह निकाह लगी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, इनके बहकावे में आना नहीं है, वो सब समझ गए हैं। पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। 5 साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ जल रहा था नक्सल समस्याओं से, अब वो बहुत पीछे हम लोगों ने उसे धकेल दिया है, बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है, और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ED IT के माध्यम से गर्म किया जा रहा है, और पूरा जो साम्राज्य है छत्तीसगढ़ के, जितने खदाने हैं सबको अडानी के सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। आपका ध्यान दूसरे
खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है। यहां ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कांग्रेसियों ने प्रदेश में ईडी की कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के इशारों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश दुबे ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2003 से लेकर 2018 तक भाजपा की सरकार थी। इस दौरान कई घोटाले हुए जिनमें नाम घोटाला, ओडीएफ घोटाला, रतनजोत घोटाला शामिल है। उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही? खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक ओर बीजेपी ने चुनाव की घोषणाएं होने से पहले ही 21 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, तो वहीं बीजेपी ने प्रदेश की 69 सीटों के लिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसी क्रम में संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 59 में बीजेपी कोर कमेटी की बीजेपी कार्यालय में बैठक रखी गई, जिसमें कांकेर सांसद मोहन मंडावी शामिल हुए, तो वहीं पर्यवेक्षक प्रदेश कार्य समिति सदस्य भरतलाल मटियारा बैठक में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को विधायक सांसद बनाती है और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को बालोदा विधानसभा से पार्टी पर्यवेक्षक बनाना रूप में भेजा गया है। आज बालोद जिला में कोर ग्रुप की बैठक लेने के लिए प्रदेश नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं और इस यहाँ पर जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं कृष्णकांत पवार जी, पूर्व विधायक प्रीतम साहू जी, हमारे प्रीतेश गांधी जी और अपने राकेश यादव जी, ऐसे सारे लोग हैं। और निश्चित रूप से आज कोर ग्रुप का बैठक है। कोर ग्रुप में 23 लोग अपेक्षित थे और 23 लोगों में सारे लोगों से एक एक करके पार्टी कैसे जीते, पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके बारे में चिंतन मनन किए और किसको देने से आसान होगा, ये सारे विषय में चर्चा हुआ। इस चर्चा के आधार पर इसका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, प्रदेश को सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में महिलाओं के 30 मिलन को बीजेपी ने एक नया नाम मतहारी खेल महोत्सव के नाम से आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने नृत्य और अन्य प्रकार के खेलों में भाग लेकर खुशी जाहिर की। साथ ही महिलाओं ने कुर्सी दौड़, रस्सी खींच जैसे खेल का आनंद उठाया और अपने बचपन के खेल को याद किया। तो वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने स्टेज टू डांस ऑडियंस कोऑर्डिनेशन कर महिलाओं को बखूबी मैनेज किया, जहां बहुत से महिलाएं लाल साड़ी और पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। कांक्षा होती है कि वो अपने व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं जो उनकी प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाओं को उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर दे। महतारी खेल महोत्सव आज उसी प्रतिभाओं को एक मंच देने का स्थान बना है। यहाँ पे सभी बहनों को हमने खेल के साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो अपना प्रदर्शन भी कर सके और इसके साथ ही साथ ऐसे खेल जो वो खेल सके, उनके मन में वो उत्साह भी हो कि वो खेल सकती है, संकोच ना हो, झिझक ना हो, इस कारण आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और बहने बहुत उत्साह। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कुशाभाऊ ठाकरे संभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के शासन में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि 92 दिन का काम 18 दिन में करने का अभिनव जन आशीर्वाद यात्रा है और मुझे पूरी आशा है कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से यह यात्रा अपने सोपान तक पहुँचेगी। आज सावन का आखिरी और आठवां सोमवार है। इस बार सोम प्रदोष का संयोग बना है। उज्जैन के महाकाल मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा, जहां दोपहर तक 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने महाकाल के दर्शन किए और रात 10 बजे तक 5 से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पत्नी साधना सिंह ने महाकाल का दुग्धाभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक में दूसरे चरण में हो रहे कामों को भी देखा। उन्होंने कहा सब सुखी है,
निरोग रहें, सबका मंगल हो और कल्याण हो, महाकाल के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भस्म आरती में शामिल हुए और नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। खबर मध्य प्रदेश के ढिंडोरी से है। यहां माध्यमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठिका ने छात्र छात्राओं के लिए तुगलकी फरमान जारी किया। छात्र छात्राओं ने स्कूल न आने पर 10 रुपये का अर्थदंड वसूला जा रहा है। बता दें, ये तुगलकी फरमान सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए ही लागू है। अमूमन प्रधान पाठिका भी हफ्ते में एक दो दिन नदारत रहती है, लेकिन उन पर ये अर्थदंड लागू नहीं है। इस पर कार्रवाई करने का वाला कोई नहीं है। गौरतलब है कि शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए 2 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है, बावजूद इसके विषयों का टाइम टेबल निर्धारित नहीं किया गया है। छात्र छात्राओं ने बताया कि वे खुद ही अपने पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करते हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्र छात्राओं का भविष्य कितना उज्ज्वल होगा। कोई आदेश नहीं है, ये एसटी डिस्ट्रिक्ट आदिवासी जिला है, इसमें किसी से भी किसी प्रकार के अनुपस्थित होने का अर्थदंड लेने के कोई आदेश मेरे संज्ञान में सर। वहाँ पे बच्चों के द्वारा बताया गया कि टीचर समय पे स्कूल नहीं आते और सत्र शुरू हुए 2 माह हो गए हैं, वो अपनी पढ़ाई स्वयं अपने स्तर पे कर रहे हैं बच्चे। इसकी मैं पूरी तरह से जांच करवा रहा हूँ। जांच करवाने के बाद यदि दोष साबित होगा कि इनके प्रति उच्चाधिकारी को कार्रवाई आरोप पत्र सर वो तो हमारे सामने बोले और ले रहे थे। वो गांव के आपके साथ में लोग कितने थे? 10-15 लोग थे। बच्चे ने क्या कबूल किया था? वो कबूल किया था कि हमें मैडम से आदेश मिला है 10 रुपये फाइन भरने। किस बात के 10 रुपये फाइन? जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनसे 10 रुपये लेने। और स्कूल में टीचर कितने थे? कोई भी नहीं थे। माध्यमिक शाला में कोई भी नहीं। कार्यालय में तो ताला लगा था। सर कल से तो स्टार्ट किया, मतलब आज से। कितना वसूल कर? 1 दिन का 10 रुपये। किसके आदेश पे काम कर रहे हैं? मैम। नाम क्या है मैम का? मधुरानी पल्ले, कुमारी मधुरानी पल्ले। कहाँ से आते हैं? डिंडोरी। और मैम नहीं आएंगे तो फिर उनका फाइन? सर कौन लेगा उनका फाइन? क्यों? स्कूल कौन सा है अपना, पूरा नाम? कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ? कौन सी क्लास में हैं आप? और सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई बराबर हो रही है? नहीं सर, अब ये टाइम टेबल भी नहीं लिखा है। रायपुर में एक संविदा कर्मचारी का त्यागपत्र वायरल हो रहा है। बता दें, 11 साल से रायपुर जिला पंचायत में मनरेगा में संविदा में नियुक्त सहायक ग्रेड 3 संतोष कुमार देवांगन ने जिला पंचायत सीईओ के नाम ये त्यागपत्र सौंपा है। 7 पेज के इस्तीफे में कर्मचारी ने अपने द्वारा संपादित किए गए कार्य और प्रशासनिक तंत्र से आहत की स्थिति बताई है। वहीं ये त्यागपत्र तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, प्रदेश में लगभग 45,000 कर्मचारी संविदा में कार्यरत हैं, जो कई सालों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं, जिससे कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां पहली बार तुलसी एक्सप्रेस प्रतापगढ़ जंक्शन पर पहुंची। सांसद रंगमलाल गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। वहीं सांसद रंगमलाल गुप्ता ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर वंदे भारत ट्रेन की भी मांग की है। बता दें, सांसद ने बताया कि प्रतापगढ़ से जल्द ही वंदे भारत गुजरेगी, साथ ही चित्रकूट के लिए भी जिले को ट्रेन मिलेगी। एयरपोर्ट के तर्ज पर प्रतापगढ़ स्टेशन विकसित होगा और छोटे छोटे स्टेशनों का भी सौंदर्यीकरण होगा। वहीं इस मौके पर जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा, स्टेडियम अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
सी एक्सप्रेस अयोध्या से लेकर बॉम्बे जाएगी और प्रतापगढ़ के लिए बड़ी सौगात है कि हमारे लोग बड़े पैमाने पे बॉम्बे रहते हैं, तो ये ट्रेन चलने से लोगों को एक सुगम यात्रा का आनंद मिलेगा कि उनको जो प्रयागराज जाके ट्रेन पकड़ते थे अभी यहाँ से उनको सीधे बॉम्बे के लिए सफर तय करेंगे। और भी कई सारी ट्रेनें जैसे चित्रकूट जाने के लिए भी कोई रेल मार्ग नहीं है, तो बहुत जल्द चित्रकूट जाने के लिए भी रेल मार्ग की नई रेल चलाई जाएगी। वंदे भारत के लिए भी हमने मांग किया है, प्रतापगढ़ से गुजरेगी वंदे भारत भी। और जैसे कि आपने देखा कि रेलवे स्टेशन कभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया है, रेलवे स्टेशन हमारा एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित होगा, इससे लगेगा कि हमारा प्रतापगढ़ का एक नया रेलवे स्टेशन दिखेगा। और भी छोटे मोटे स्टेशन रेलवे के हमारे सौंदर्यीकरण हैं हो रहे हैं, कई के काम पूर्ण हो चुके हैं, बहुत जल्द हमारे रेल मंत्री प्रतापगढ़ आएंगे। हमारा 81वीं सेंशन हुआ है भगवा की चुंगी पे, उसका शिलान्यास होगा, जो नाम परिवर्तन हुए हैं उसका भी परिवर्तन किया जाएगा, तो बहुत जल्द उनका आगमन भी प्रतापगढ़। नीरज की ऐतिहासिक जीत से जहां उनके गांव खंडरा में खुशी का माहौल है, वहीं देश भर के लोग नीरज को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी बधाई दी और कहा कि पूरा भारत गर्व कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बयान दिया और प्रतिक्रिया दी, देखिए। नंबर वन एथलीट, नंबर वन जेवलिन थ्रोअर बनने पर और भारत को गौरवान्वित करने पर वह आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रोअर हो गए और पूरा भारत इस पे गर्व कर रहा है। सर, कर पूरे देश भारत में एक गौरव का बात है, लेकिन पवन खेड़ा जो है कांग्रेस लीडर वो कह रहे कि प्रधानमंत्री ये ना सोचे कि मतलब वो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, ये तो रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, किसी के भी कार्यकाल में ये हो सकता है, ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने की ये तरीका है, ये बहुत ही दुखद है। दिक्कत है कि उनको हर चीज में राजनीति दिखती है और मोदी जी का विरोध दिखता है। जिस ढंग से G20 आज भारत में कंडक्ट हुआ है, आज जनमानस की भावनाएं उससे जुड़ी हैं। देश के हर राज्य में G20 का कोई ना कोई कार्यक्रम मनाया गया किया गया है, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक G20 के कार्यक्रम मनाए गए हुए हैं। ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले कभी इस प्रकार से नहीं हुआ। पहले सिर्फ दिल्ली तक ही जो भी इवेंट्स होते थे दिल्ली तक ही कन्फाइंड रहते थे, जो भी कार्यक्रम होते थे दिल्ली तक कन्फाइंड रहते थे। इसलिए आज पूरा का पूरा भारत अपने आप को G20 में सम्मिलित पाता है। अब वो पवन खेड़ा का मामला है, उनको राजनीति से उठती है। 9 अगस्त से शुरू हुई समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा आज अमेठी पहुंची, जहां विधायक महाराज प्रताप प्रजापति ने इस यात्रा का स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कस्बे में निकाली गई साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि समाजवादी देश बचाओ देश बनाओ के तहत अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त को साइकिल रैली निकाली गई थी, जो अमेठी पहुंची है, और यह यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा में भ्रमण करेगी और इसी के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज किस प्रकार की साइकिल यात्रा निकाली जा रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा चल रही है, जो 9 अगस्त जो अगस्त क्रांति के दिवस से इलाहाबाद से शुरू हुई है। ये यात्रा प्रत्येक विधानसभा में जा रही है, हर एक जिलों के। यहाँ पर अमेठी में आज हम लोग अमेठी विधानसभा में हैं, जहाँ पर हम लोग की महाराजी प्रजापति जी ने हरी झंडी दिखाया, जिलाध्यक्ष जी हम लोग के राम उदित यादव जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है, हम लोग के साथ लगातार चल रहे हैं। हम लोग जा करके लोगों को ये बता रहे हैं कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ाया इस सरकार ने, इनकी निजीकरण की जो योजना है उस योजना से लोगों को रोजगार के और आरक्षण पर सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है, इनकी जो विचारधारा है वो सांप्रदायिक है, वो बांटने वाली विचारधारा है, जिससे आने वाले समय में इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए लोगों से निवेदन करने हम लोग निकले हैं कि सब लोग जग जाइए और इस गूंगी बहरी सांप्रदायिक और तानाशाही सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश जी ने कहा है कि हम यहां से
चुनाव लड़ेंगे या किसी को लड़वाएंगे, और वहीं पर यह कहा जा रहा है कि जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी, क्या लगता है क्या रहेगा 2024? ये सारे फैसले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हम लोग अपनी बात लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और समाजवादी विचारधारा को, कार्यों को लेकर के, और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है, उनका जो दूरदर्शी नेतृत्व है, उसको लोगों के बीच ले जाकर समझा। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है। यहां बाइक सवार बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं सर्राफा व्यापारी के विरोध करने पर नकाबपोश बदमाशों ने व्यवसायी को गोली मार दी और बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल घायल सफारा व्यापारी का इलाज जारी है। एक जगन्नाथ नाम के व्यक्ति जो कि जिनकी उम्र करीब 78 साल है, ये रहने वाले नरसावा और थाना डलमऊ के हैं, जो कि CSC डलमऊ से रेफर किया गया है। बाकी इनको एग्जामिन करने पे ही पता चला है कि इनके मुंह पे चोटें आई हैं, प्लस इनके दाहिने हाथ में चोटें हैं और पीछे इनके पीठ पे फायर आर्म की एक इंजुरी है, तीन जगह इंजुरी है इनको। बाकी इनके अटेंडेंट लोग यही बताएं कि मारपीट का केस है। अब किससे मारपीट का केस है तो जांच का विषय है। बाकी मैंने इनको एडमिट कर दिया गया, इनकी हालत नाजुक बनी हुई है, एडमिट कर दिया गया, इलाज चालू है इनका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। यहां कमलापुर में SOG और थाना कमलापुर की संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये के इनामी अभियुक्त लालता प्रसाद को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक भी जब्त की। साथ ही 1200 रुपये बरामद किए। बता दें, इस अभियुक्त पर BKD जनपद लखनऊ में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कि पुलिस की एक टीम के द्वारा जो यहां पर चेकिंग लगाए हुए थी, एक अपराधी के साथ में मुठभेड़ हुई है। ये अपराधी, इसका नाम लालता प्रसाद है, ये थाना बख्शीगा तालाब जनपद लखनऊ का रहने वाला है। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। यह अपराधी लगातार चोरी, नकबजनी तथा 307 इस तरह के अपराधों में लगातार रहा है। ये अभी वर्तमान में वॉन्टेड चल रहा था। पुलिस के द्वारा जब इसको रोककर पूछताछ की कोशिश की गई तो इसने भागने के क्रम में पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। ये घायल अवस्था में उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस की टीम के द्वारा इसकी जो सामान है, इसकी तलाशी ली गई तो उसमें से एक चोरी का मोबाइल तथा कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। इसके पास से एक असलाह जो अवैध है उसको बरामद किया गया है, कुछ जिंदा और खाली खोखे। आदर्श नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 6 में प्राचीन हनुमान मंदिर में लगी नंदी की प्रतिमा को अराजक तत्व शनिवार की रात उखाड़ कर ले गई। इसकी जानकारी देते ही नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने नई प्रतिमा लगवाने और घटना का जल्द से जल्द अनावरण करने का भरोसा दिलाया, लोगों को शांत कराया। चकिया थाना के अंतर्गत एक मंदिर के बाहर लगी हुई नंदी जी की प्रतिमा, जो एक छोटे से पत्थर से बनी हुई थी, चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल प्रकरण को दर्ज कर विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है और शीघ्र ही स्थानीय थाने द्वारा इस चोरी की घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। यहाँ पे आए हैं भाई सुबह सुबह दर्शन करने, तो नंदी भगवान का मूर्ति गायब है, खंडित हो गया, नहीं मिला। रोज आते हैं, अब पता नहीं, यही तो हमको नहीं मालूम, हम देखो नहीं किए। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार सोनकर। कहाँ के रहने वाले? वार्ड नंबर 3 सदिलापुर। आज क्या है पूरा मामला, मंदिर में क्या हुआ? मंदिर में आज हम सुबह सुबह करीब 6 बजे आए हैं। यहाँ पे देखे हैं कि नंदी जी का मूर्ति गायब हुआ है। यहाँ पे देखिए, रोज सुबह हम पूजा करने आते हैं, बगल में हमारा फल का दुकान है और आज सुबह हम 6 बजे पूजा करने आए हैं तो नंदी महाराज का मूर्ति गायब था। यहाँ पे देखिए, आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, जबकि हम शाम को 10 बजे दुकान बढ़ा के जाते हैं तो 10 बजे यहाँ तक नंदी जी का मूर्ति था।
आज बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता झांसी के प्रसिद्ध पंचकुइयां मंदिर पर एकत्रित हुए। शीतला माता का आशीर्वाद लेकर पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर नारिया बाजार, बिसाती बाजार, बड़ा बाजार, मालिनों का तिहारा, मानिक चौक, जवाहर चौक, सर्राफा बाजार, गंधीनगर का टपरा, कोतवाली तिहारा से वापस पंचकुइया के मंदिर पहुंचे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्माण के पक्ष में जोरदार नारेबाजी करते हुए जय जय बुंदेलखंड के नारे लगाए। मशाल यात्रा के दौरान कई स्थानों पर नुक्कड़ सभा का भी आयोजन हुआ। व्यापारियों से पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के लिए सहयोग की मांग की। बुंदेलखंड क्रांति दल द्वारा ये मशाल यात्रा तो हमारा उद्देश्य है कि जनता को भी जागृत करना है और सरकार तक भी संदेश भेजना है कि बुंदेलखंड राज्य हमारी जरूरत है, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को सिंचाई चाहिए, सारी कमियां है यहाँ, तो कमियां दूर जब होंगी जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। हम लोग साप्ताहिक भ्रमण करते हैं, जनता को समझाते हैं, आज उसी क्रम में ये बुंदेलखंड क्रांति दल की मशाल यात्रा है जो शहर में भ्रमण करके वापस यही। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों को देखने के लिए एनबी न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।